भाई, अगर पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से पूछा जाए कि जब मैं बोलता हूँ सूप, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तो जवाब एक ही होगा, टोमेटो सूप। है कि नहीं? टमाटर के सूप में कुछ तो बात है कि हर कोई सिर्फ टमाटर के सूप की रेसिपी ढूंढता है ना? तो आज टमाटर के सूप की पहेली बूझने के लिए आप तैयार हैं ना? क्योंकि तो पहेली बुझाने वाला हूं। कॉलिंग एंड एक्शन। तो सूप और शोरबे में जो मेन फर्क है वो ये है कि शोरबा जो है वो यूँ समझ लीजिए कि जब कोई चीज़ बन रही होती है तो उसकी तरी या उसका पानी होता है, यानी कि शोरबा इज जनरली ऑलवेज थिनर, और सूप पतला भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है। और जब आप सूप बनाने जाते हैं तो सिर्फ सूप बनाने जाते हैं, लेकिन कई बार आप दाल बनाने जा रहे हैं, ऊपर से पानी निकाला, उसको तड़का मार लिया तो दाल का शोरबा हो गया। गोश्त पका रहे हैं तो गोश्त का पानी निकाला, उसको तड़का मार लिया तो गोश्त का शोरबा हो गया। यानी कि जब आप सूप बनाने जाते हैं तो सिर्फ सूप बनाने जाते हैं, और जब आप कुछ भी बनाने जा रहे हैं उसके पानी से कभी भी आप शोरबा बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार, और टमाटर सूप बनाने के लिए आपको चाहिए टमाटर। ये करना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, देखो बाकी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या कहते हैं ना, वो पंजाबी बंदा रोटी बनावे तो ताना ना होवे, खाना गाना ताना तो चलना चाहिए ना साथ में। तो टमाटर सूप बनाने के लिए हमारे को जो टमाटर चाहिए उसको हमने मोटा मोटा ऐसे काट लिया, ठीक है। अब क्या है, मेरी टमाटर सूप की पहली जो लव स्टोरी थी वो शुरू हुई आर्मी मेस में। मैंने काफ़ी ज़िंदगी अपनी बुआ के साथ गुजारी है, और आर्मी मेस में टोमेटो सूप वॉज अ स्टैंडर्ड। या घर पे कभी भी पार्टी होती थी, ऑफिसर्स आते थे, टोमेटो सूप तो मिलता ही मिलता था, और वहाँ पे टोमेटो सूप मेरी ज़ुबान पे एकदम से चढ़ा हुआ था बचपन से। उसके बाद मैं गया केटरिंग कॉलेज, और केटरिंग कॉलेज जाने के बाद हमको एक टोमेटो सूप की रेसिपी दी गई, भाई सूप द टोमात, मतलब फ्रेंच टोमेटो सूप, क्रीम ऑफ टोमेटो सूप कैसा होना चाहिए, और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मुझे लगा वो जो मेस वाले भैया थे क्या कड़क टोमेटो सूप बनाते थे। तो उस उम्र में जाके मैंने वो मेस वाले भैया से पूछा कि भैया वो आपके टोमेटो सूप की रेसिपी क्या थी, कल तो उनको बताना पड़ेगा भैया मैं वो हूँ। तो उनकी जो टोमेटो सूप की रेसिपी थी ना, द फौजी मेस टोमेटो सूप, वो रेसिपी आपके सामने है। इसमें हिंदुस्तानियत ज़्यादा है और फ्रेंचियत थोड़ी कम। तो सबसे पहले तो टमाटर डाल देने ही तेल में, यूँ तेल बिल्कुल कम है। अब इस टमाटर सूप में डाला थोड़ी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब ये देखिए इतनी सी, एक चुटकी हल्दी। हल्दी क्यों, सिर्फ रंग उभारने के लिए। उसके बाद अदरक और एक पीस लहसुन, साबुत काली मिर्च, और ये भैया का सीक्रेट इंग्रेडिएंट, बिल्कुल थोड़े से बड़ी इलायची के दाने, नमक, पानी, पानी इतना कि टमाटर बस ढक भर जाए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पानी से ओवरलोड नहीं करना उसको, वरना आप बनाने जाएंगे टोमेटो सूप, बन जाएगी टोमेटो लस्सी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। तो पानी कम रखना है यहाँ पे, सूप जो है वो गाढ़ा होना चाहिए, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे चाहें तो सिर्फ, अगर जैसे लहसुन प्याज नहीं खाते तो सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं, अदरक ना चाहें डालना तो नहीं भी डाल सकते। ये जो है सूप का बेस हमने बनाना है, इसको सीटी मार के, सीटी मारने के बाद जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा तो उसको हम प्यूरे करके छान लेंगे, वो हो गया सूप का बेस। अब बारी है क्रूटॉन्स बनाने की, तो उसके लिए ब्रेड की साइड्स निकाल के और उसको ऐसे चौरस चौरस काट लिया। एक पैन लिया, पैन के अंदर डाला बटर, थोड़ा ऑयल, बटर जल जाता है ना तो उसके लिए ऑयल डालना पड़ता है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, फ्लेवर बटर का ही रहना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे ही बटर मेल्ट होगा वैसे ही हम डाल देंगे इसमें ब्रेड, देखिए डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसको, लेकिन डीप फ्राई करने में मज़ा नहीं आता क्योंकि बटर में धीमी आंच पे जब ब्रेड तली जाती है ना
तब मज़ा आता है। तो ये बटर्ड क्रूटॉन्स ये निकालिए और ये उसमें डाल दिए थोड़े हर्ब्स, कुछ टमाटर ने अपना पानी छोड़ा, कुछ पानी हमने डाला था, तो एक बेस जो है वो रेडी हो गया। अब इसके अंदर टमाटर का फ्लेवर है, जिंजर का फ्लेवर है, बेसिक स्पाइसेस हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली, एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इसके अंदर वो काली इलायची के दाने, थोड़ा ऑयल। देखिए बटर बहुत इम्पॉर्टेंट है टोमेटो सूप में ना, बटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्याज जो है ना वो प्राइमरीली हम डाल रहे हैं मिठास के लिए और बॉडी के लिए। अगर प्याज नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, मिठास के लिए हम शुगर ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे, और साथ में मोर इम्पॉर्टेंटली बॉडी के लिए पानी कम डालेंगे टमाटर के, ठीक है ना जी। और अनियंस को सिर्फ बटर में यूं कह लीजिए बस टहलाना है। अब क्या है, इसको 5 मिनट और पकाना है। वो बटर और प्याज का जो फ्लेवर है ना वो धीरे धीरे जब इसके अंदर 5 मिनट में आ जाएगा, इसको ब्लेंड कर लेंगे, छान लेंगे और फिनिश कर देंगे, बन गया टोमेटो सूप एंड डन। अभी इसमें खट्टा मीठा तीखा कुछ नहीं देखना है, बस इसका सूप का बेस रेडी हो गया, वो छान के निकाल लेना है, ठीक है ना। पहले इसको करना है ब्लेंड। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इतने सारे फ्लेवर्स हैं, वो सब फ्लेवर्स अब एक साथ अंदर आने शुरू होंगे। वो काली मिर्च पिसेगी, अदरक पिसेगी, प्याज पिसेगा और ये धनिए की डंडी ये पिसेगी। ब्यूटीफुल। टमाटर को जो हमने प्रेशर कुक किया है ना, उसका मेन फायदा यही है कि टमाटर एक बार अच्छे से गल जाता है ना तो वेस्टेज कम होता है, तो टमाटर को जो 2-3 सीटी मरवा लेते हैं उससे बड़ा फायदा होता है। अब जो है धनिया, जिंजर और सारे मसालों का फ्लेवर जो है इस सूप के अंदर जा रहा है। अब जो है ना इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि इसके अंदर का जो रॉनेस है ना, जो कच्चापन है वो जाना चाहिए, वो रेशे जो हैं वो गलने चाहिए। इसके लिए कम से कम 15 मिनट पकाना है फाइनली छानने के बाद, उसके बाद सिर्फ खट्टा मीठा तीखा सेट करना है बस, एंड डन। तो जी सूप इज डन, ठीक है। अभी ये ब्रेड पे थोड़ा बटर और ये ब्रेड को गरम गरम तवे पे सेकना है। ये जो 15 मिनट सूप को उबाला है ना दोबारा, उसकी वजह से देखिए आप ये कलर, देखिए आप भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि कम से कम घंटा भर ना सूप बना के रखो, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है ना वो धीरे धीरे सूप में बढ़ता रहता है, लेकिन टमाटर की वजह से सूप खट्टा हो जाता है। इसके लिए ये इनवेरिएबल है, टोमेटो सूप में शुगर डालना जो है वो कंपलसरी है, खासतौर ऑफिसर्स मेस टोमेटो सूप में। देखिए थिकनेस के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। सो बहुत सारे सूप्स के क्लासिफिकेशंस हैं, मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। एक होते हैं गाढ़े सूप्स, थिक सूप्स, उसमें प्यूरे सूप्स होते हैं जहाँ पे सब्जी को पकाया जाता है या मीट को पकाया जाता है, उसको बिल्कुल बारीक प्यूरे कर लिया जाता है, छान लिया जाता है, तो गाढ़े प्यूरे सूप्स होते हैं। दूसरे होते हैं क्रीम सूप्स, जैसे क्रीम ऑफ टोमेटो, क्रीम ऑफ पोटैटो, जिसमें कि उन सूप्स के को क्रीम के साथ फिनिश किया जाता है बटर के साथ एक वेलवेटी टच के लिए। फिर पतले सूप्स होते हैं, पतले सूप्स में बुयोज़ होते हैं, बुयो मतलब वो सूप जिसमें कि सब्जी काट के डाली हुई है और आप खाते हैं तो सब्जी भी दिखती है लेकिन स्टॉक का जो टेस्ट है वो भी आता है। फिर कंजॉमेज होते हैं पतले सूप्स, जिसमें कि जब कोई चीज़ पकाई जाती है तो उसका जो जो पानी ऊपर आ जाता है बिल्कुल क्लियर वाटर, उसको सर्व करते हैं। सो पतले सूप्स में कंजॉमे हो गए, बुयो हो गए। मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक समझने की ज़रूरत ये कि सूप में जो बॉडी है वो सूप के पानी से आती है, यानी कि व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ सूप, अगर पॉसिबल है तो ट्राई यूजिंग अ स्टॉक क्यूब और अ वेजिटेबल स्टॉक और अ चिकन स्टॉक, अपने आप चीज़ें जो है अच्छी बन जाएंगी।
पुराने टाइम में जब जब लोग शोरबे बनाते थे उसका मकसद यही था कि चने उबाल रहे तो पानी वेस्ट नहीं करना, मटन पका रहे तो पानी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सूप का जो एसेंस है और शोरबे का जो एसेंस है वो सारा फ्लेवर उसके पानी में। ओह जो बटर का स्वाद है ना क्रूटन में, कमाल वही है। इसलिए कभी भी क्रूटन डीप फ्राई नहीं करना, उसको बटर में ही सेकना है, ऐसे मैंने सेका। और अगर टाइम मिले तो एक काम करेगा, सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, नीचे वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, वरना नए वीडियो आते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, पता नहीं चलेगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि सूप बनाइए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है ना जी।